जी आ गए चंडीगढ़ में भाई जी, भाई जी लोग, ये भाई जी, ये देखो भाई जी चंडीगढ़ में आ गए भाई जी। हाँ भाई जी कहाँ जाना उधर भाई जी भाई जी यार क्लोन होगी इधर बच गया भाई जी, ऊपर ऊपर से लगा माल। देखो पहाड़ियों को पहले थी ऊपर बारिश ने बमबारी की, अब जैसे चंडीगढ़ पहुंचे यहाँ गर्मी से बमबारी हो चुकी। पहुंच चुके हैं रोड के इस पार, ये देखिए आप, मैंने लिया रिफाइंड, और गाइस रिफाइंड हमारे हिमाचल में लगभग 114-15 रुपए केजी पड़ता है, तो यहाँ पे 104-105। तो यहाँ पर ये देखते हैं आप दालों के लोबिया व्हाइट 89 रुपीस केजी है। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचली टफ मैन में। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। सो गाइज़ चंडीगढ़ जाने के लिए बेसिकली दो रास्ते हैं, एक शिमला होकर जाते हैं हम लोग और एक जाते हैं कुनिहार होकर। तो हम जा रहे हैं कुनिहार बाया गंबर पुल होकर। सो घर से लेकर गंबर पुल तक की मेरी वीडियो जो थी मैंने बनाई थी वह डिलीट हो चुकी है। तो अभी गाइज़ हम पहुंच चुके हैं गंबर पुल ढाबे के पास, तो आपको लिए चलते हैं सीधे। वीडियो में अंत तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी भाई करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढाबा है गाइज, अब आपने आना हो कभी तो आए। और यहाँ पर बनने जा रहा है बेहतरीन पराठा, एक है मिक्स पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा, इस तरह के पराठे की वैरायटी यहाँ पर मिलती है। ये है बुजुर्ग इधर, ये नहीं जवान है। ये कितने यार चश्मा तू, धन्यवाद। बेहतरीन पराठे यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे, शानदार शानदार। साथ में आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, और यह है अपना गोभी पराठा, यह भी गोभी पराठा, और यह है अपना मिक्स पराठा। गोभी खा रहा है, अज्जू खा रहा है, अज्जूर में खा रहे हैं अपना। हाँ ये देखिए, लुक एट द स्टफिंग गाइस, ये देखो आप स्टफिंग, वो भाई एक नंबर। चलो खा लिया जाए। सो गाइस अभी हम लोग एक नए रोड पर आ चुके हैं। अभी गाइज हमने गंबर पुल से ये वाला अपना स्वाठ वाला रोड है, तो जो भी व्यक्ति इस तरफ को आ रहा है चंडीगढ़ जाना चाहता है, तो वहाँ पे रोड बंद है, तो वहीं से एक लिंक रोड हमें मिला है एक नए, लिए चलते हैं वहाँ की तरफ, दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप गाइज, ये है कामदेव नस्ल की गाय। काफी देर के संघर्ष के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं एनएच हाईवे में पहुंच चुके हैं। ये देखते हैं चंडीगढ़ टू शिमला, चलिए पकड़िए दो चंडीगढ़ टू शिमला। अब देखते हैं कि चक्की बोर्ड में रोड की क्या स्थिति है। अब भागेगी गाड़ी पाचरा वाली स्पीड में। अब भाई को याद कर दो अपना, पोल्यूशन भी करवा ले कहीं अपने गाड़ी का, पोल्यूशन सेव ध्यान रखें। देखिए भैया रोड किस तरह से धस चुका है बारिश के कारण, अस्त व्यस्त हो चुके, दरारे आ गई यहाँ हवेली में धर्मपुर। अब घोड़े भी एक टांग पे खड़े हैं। गाइज चक्की मोड़ जहाँ पे 21 दिनों तक रोड बंद था, तो प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद देखिए किस तरह की कंडीशन है, रोड गायब है यहाँ से। और नीचे को देखिए इधर सेना के जवान तिब्बत बॉर्डर तक जा रहे हैं। सो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ पंचकुला हाईवे में। ये देखते हैं गाइज यहाँ पर हमने परमाणु पहले टैक्स कटवा लिया, उसके बाद हम सीधा निकल गए चंडीगढ़ की तरफ। तो आगे देखते हैं कहाँ पे हमें गाड़ी स्टॉप करनी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सो यहाँ पर अभी डिसाइड हुआ गाइज हमारा कि हमें आगे जाना है जीरकपुर। और गाइज चंडीगढ़ में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं है, तो गर्मी भी है यहाँ पर अभी।
और हमें जिरपुर जाना था गाइस, हमें गाड़ी पंचकुला में ही खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ से हमें ऑटो लेना है और देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। अभी हम पहुंच चुके हैं पंचकुला सेक्टर 21 की पार्किंग में। सो गाइज, यहां पर सेक्टर 21 पंचकुला में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और इसके बाद निकलेंगे हम आगे की तरफ। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप चंडीगढ़ में आए तो एक ऐसी जगह में अपनी गाड़ी की पार्किंग करें जहां पे आपको सेफ़ लगे। और उसके बाद गाइज अभी हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। जी आ गए चंडीगढ़ में भाई जी लोग, ये भाई जी, ये देखो भाई जी चंडीगढ़ में आ गए भाई जी। हाँ भाई जी, कहाँ जाना पूरे भाई जी। चलो भाई जी, यार क्लोल होगी इधर तो। बच गया भाई जी, ऊपर ऊपर से लगा माल। ये आए पहाड़ी है। ओ भाई जी किधर जाना, भाई जी किधर जाना। ये आए भाई जी लोग परेशान हो चुके गाइस, यहाँ पे इनको ऑटो नहीं मिल रही है। भाई जी 1.5 घंटे से ऑटो ढूंढ रहे, तेल निकल चुका है भाई जी लोगों का। हाँ भाई जी कहाँ जाना, भाई जी कहाँ जाना। ये देखिए हमारे भाई जी लोग। जी लोगों को भी मिल चुकी है ऑटो। ये देखिए भाई जी कितने खुश है, देखो मैंने वेट कर रहा है भाई ये बंदा। भाई जी लोग, हाँ भाई जी ठीक है भाई जी। भाई जी एक बार भाई जी की ना स्माइल है कुछ, जो मर्जी बोलो। क्या कहना चाहेंगे आप चंडीगढ़ के मौसम के बारे में? कुछ नहीं, ठंडी है कि गर्मी है। अजू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे भैया। ये भैया पहाड़ियों के, देखो पहाड़ियों को पहले थी ऊपर बारिश ने बमबारी की, अब जैसे चंडीगढ़ पहुंचे यहाँ गर्मी से बमबारी हो चुकी है। क्यों ये देखिए आप हसीन वादियाँ। अभी निकले गाइस हम मेट्रो मॉल की तरफ, ये पहुंच चुके हैं अपने मेट्रो मॉल जिरकपुर। ये देखिए आप भिन्न भिन्न तरह के पहाड़ी आपको मिलेंगे। हाय 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 हाय, आ जाओ ब्रो, ए ब्रो कम ऑन ब्रो, यार ब्रो आ जाओ। जिंदगी की रेस में हमारे तोले पापा रह चुके हैं, पहुंच चुके हैं रोड के इस पार। ये देखिए आप हमारे तोले पापा जी उधर रह चुके हैं गाइस। आज रे सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मेट्रो मॉल के अंदर और यहाँ पे बहुत ही सस्ता और बेहतरीन सामान मिलता है गाइस। चाहे आप होटल के लिए ले लो, चाहे राशन ले लो, कुछ भी सामान आप ले लो, बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ पर मिलता है। तो आपको दिखाते हैं अंदर का बेहतरीन नज़ारा। सो गाइस अभी हम लोगों ने सब ने एक ट्रॉली यहाँ से उठा ली है। यहाँ पे बेसिकली अंदर एंट्री के लिए अपने पास एक मेट्रो कार्ड चाहिए अगर आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये एंट्री कर ली और यहाँ पर हम लोग सामान चूज़ कर रहे हैं क्या क्या सामान हम लोगों ने लेना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने लिया रिफाइंड, और गाइज रिफाइंड हमारे हिमाचल में लगभग 114-115 रुपए केजी पड़ता है, यहाँ पे 104-105 रुपए पड़ा। और ज़्यादा अगर आप ले, जैसे मैंने 2-3 पेटियाँ लिए तो मुझे 98 रुपीज़ केजी के हिसाब से पड़ा, लीटर के हिसाब से पड़ा। तो काफ़ी सस्ता यहाँ पर मुझे सामान लगा और काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है गाइज, लगभग 30% मार्जिन, 30-40% मार्जिन हर सामान में यहाँ पर रहता है। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सामान यहाँ पे मिलता है। सो गाइज आपको आगे और भी सामान यहाँ पे दिखाता हूँ कि और क्या क्या सामान यहाँ पर मिलता है, जैसे दालें वगैरह की भी रेट्स में आपको दिखाता हूँ।
सो गाइज अभी ले रहा हूँ मैं रिन, और यहाँ पर यह 10 किलो का बैग है रिन का, जो कि 690 में पड़ रहा है, और इस पर प्रिंट रेट है 692 में पड़ रहा है, जो कि इसके प्रिंट रेट है लगभग 960 रुपये, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन यह लोग दे रहे हैं। सोचा यहाँ से इसको भी ख़रीद लिया जाए। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से इसका पैकेट है, और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन है गाइस। सो गाइस ये है मेरा सामान जो मैंने लिया, रिन, चाय पत्ती, सॉस और रिफाइंड ऑयल, भिन्न भिन्न तरह का सामान मैंने यहाँ से ले लिया, और अभी करवाएंगे बिलिंग। तो आपको कुछ दालों के भी रेट्स बताता हूँ यहाँ पर किस तरह के रेट्स हैं दालों के। सो गाइज़ ये है यहाँ पर दालों का सेक्शन। बेसिकली यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ फिर भी आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर ये देखते आप दालों के रेट, लोबिया वाइट 89 रुपीज़ केजी है। ये देखते आप मूंग दाल, मसूर दाल 77 रुपीज़ केजी, तूर दाल 170 रुपये, राजमा चित्रा 141 रुपीज़ केजी, काबुली चना 189 रुपीज़ केजी, बहुत बेहतरीन है। 102 मूंग दाल 102 रुपए किलो। ये इसते आप मसूर दाल 83 रुपीज़ केजी, राजमा चित्रा आ चुका है पहले ही, मिक्स दाल 94 रुपीज़ केजी, और ब्राउन चना जिसको काला चना कहते हैं 77 रुपीज़ केजी, मसूर दाल साबुत 77 रुपीज़ केजी, और यह है उड़द छिलका 199, और यह है गाइस उर्द। फाइनली गाइस लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने यहाँ पर सामान ले लिया है। ये है भूपी वगैरह का सामान, ये है मेरे वाला है, देख सकते हैं आप। तो इससे आइए भूपी का सामान, तो भूपी का सामान पहुँचेगा अभी बिलासपुर, और अपना जले जाएगा शिमला। तो गाइस हैरानी की बात है कि शिमला में यही आपका किंग्स का 115-120 रुपये का पड़ता है, और यहाँ पर जो पैकेट है वो 98 रुपीज़ में आपको पड़ रहा है। ये अपना मेट्रो मॉल सामने आप देख सकते हैं, ये है अपनी पीछे आगे आगे वाली डेस्टिनेशन पकड़ेंगे अब इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ टू वाली। ये भी हम लोग सामान लेकर मॉल के बाहर आ चुके हैं। तो क्या होता है, सामान कुछ इस तरीके से लोड किया जाता है ट्रॉलियों में। ये शहरी लाइफस्टाइल होता है गाइस, ये देखिए आप, जो कभी शहर नहीं आया है, जो जिन्होंने इस तरीके से, ये देखो हमने सामान यहाँ पे लोड कर लिया है, अभी हमारी गाड़ी आएगी, गाड़ी में लोड होगा। सो गाइज अभी हम लोग कर रहे हैं गाड़ी का वेट, और गाइज यहाँ से सामान को लोड करेंगे और पहुँचाएँगे पंचकूला। पंचकूला में अपने गाड़ी में सामान को डालेंगे, और उसके बाद निकलेंगे गाइज इंडस्ट्रियल एरिया। तो अभी मैं और भूपी कर रहे हैं कुछ मस्ती, और गाइज आज के दिन के ब्लॉग को भी करता हूँ यहीं पर ही एंड। आगे के ब्लॉग में मिलेंगे गाइस, इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक बेहतरीन शॉप है, वहाँ पे उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे आगे लेता हुआ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।